हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडे न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्क रफेलो से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे कि मार्क रफेलो कब रिटर्न होने वाले हैं और इनसे रिलेटेड क्या अपडेट आया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मार्क रफेलो एक कैरेक्टर प्ले करते हैं हल्क, जो कि एवेंजर एंड गेम के बाद काफी डाउट था कि वो फ्यूचर में नहीं आएंगे। पर केविन फाइगी से रिलेटेड काफी बीच में भी न्यूज आई कि वो सोच रहे हैं कि हल्क को फ्यूचर में किसी मूवी में दिखाएं या टीवी सीरीज में दिखाएं। बट फाइनली बीच में पता चला कि केविन फाइगी ने शी हल्क नाम की एक टीवी सीरीज को अनाउंस करा गया। जी हाँ, जो कि एक ऑफिशियली टीवी सीरीज थी जिसमें कि मार्क रफेलो ने काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर एक ट्वीट भी करा था तुरंत रिसेंट में, अगर आप काफी ज्यादा एक्टिव होंगे मार्क रफेलो को लेकर। उसके बाद क्या हुआ कि केविन फाइगी ने फिर मार्क रफेलो के साथ मीटिंग करी और फाइनली डिसाइड ये हुआ कि फ्यूचर में मार्क रफेलो एक कैफे के तौर पे आएंगे, वो भी शी हल्क की टीवी सीरीज में। फिर उसके बाद एक मूवी में अपीयरेंस होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो जी हाँ, आने वाले फ्यूचर में टीवी सीरीज में हमें देखने को मिलेंगे मार्क रफेलो, वो भी एक हल्के तौर पर, और वो एक गुरु की तरह होंगे, यानी कि सबको ट्रेंड कर रहे होंगे एक टीचर की तरह, जो कि केविन फाइगी के एक छोटे से स्टेटमेंट से पता चला। तो यानी कि आने वाला फ्यूचर हमें हल्क यानी कि मार्क रफेलो का जो कैरेक्टर होगा वो हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डिज्नी प्लस की टीवी सीरीज में देखने को मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा अच्छी न्यूज थी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक अलग से सोलो वीडियो बना दी जाए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक एंड शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पे हल्के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।